वर्कआउट करते टाइम अगर आप अपने शोल्डर्स जॉइंट का ध्यान नहीं रखते तो या तो अभी तक आपके शोल्डर का पटाखा पड़ चुका है या फिर नियर फ्यूचर में पड़ने वाला है। ना पड़े उसके लिए तीन जरूरी चीजें दिमाग में रखो। सबसे पहले अपर बॉडी का वर्कआउट करने से पहले इस तरह से एक स्टिक लेके मोबिलिटी एक्सरसाइज आप करोगे। जितना ज्यादा आपके शोल्डर में मोबिलिटी का इशू होगा उतना ही आपको वाइड इसको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा गोल है कि धीरे धीरे हम इसको ओवर टाइम क्लोज पकड़ने में सक्सेसफुल हों एंड ऑल द वे पीछे लेके जा पाए एंड ऑल द वे आगे लेके आ पाए। सभी अपर बॉडी वर्कआउट से पहले दो सेट्स इसके जरूर लगाने हैं। स्टेप नंबर 2, एक्सटर्नल रोटेशंस एंड इंटरनल रोटेशन, इन दोनों मूवमेंट्स के 10-10 रैप्स जरूर लगाने हैं। स्टेप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप वर्कआउट से पहले लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में दो बार इस तरह से एक हैवी डंबल पकड़ के इसको सीधा ऊपर लेके जाना है एंड देन वॉक 20 steps, ये वाली आर्म ऊपर करके 20 steps, ये वाली आर्म ऊपर करके, इससे आपके शोल्डर में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आप हैवी वेट जब आप लगाओगे तब भी आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम होंगे।